ऋतिक रोशन को आपने सुपर 30 में बिहार की भाषा बोलते हुए देखा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा अपनी अगली फिल्म जबरिया जोड़ी में पटनैया बोलते दिखाई देंगे। और अब डिजिटल सनसनी सनी लियोनी भी भोजपुरी बोलने जा रही हैं। सनी लियोनी सिर्फ भोजपुरी बोलेंगी ही नहीं बल्कि अपनी एक नई फिल्म के लिए वो ठेठ भोजपुरी अंदाज में भी दिखने वाली है, 6 गज की साड़ी पहनकर। प्रसाद टटिकेनी के निर्देशन में बन रही हॉरर कॉमेडी फिल्म कोका कोला की शूटिंग इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में चल रही है। सनी लियोनी हापुड़ के आम के बागान में भी हो आई है और इन्हीं बाग बगीचों में इस फिल्म का पूरा भूगोल बनाया जा रहा है। फिल्म के लिए सनी ने अपने वेस्टर्न लुक को पूरी तरह से त्याग दिया है। अपने इस डी ग्लैम अवतार की फोटो भी सनी ने शेयर की है। सनी खुद भी अपने इस अवतार को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वो कहती हैं, आमतौर पर फिल्मों में मुझे मेरे प्रशंसक वेस्टर्न कपड़े ही पहने हुए देख पाए हैं। मुझे भारतीय साड़ी शुरू से ही पसंद रही है। शीशे के सामने खुद को साड़ी में देखना हमेशा मुझ में एक नया जोश भर देता है। देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से मेरे स्टाइलिस्ट ये साड़ियाँ लेकर आए हैं और ये मेरे ऊपर खूब फब रही हैं। फिल्म कोका कोला में सनी लियोनी के साथ मशहूर अदाकारा और मॉडल मंदना करीमी भी नजर आएंगी। अपने इस रोल के लिए सनी ने भोजपुरी की बाकायदा ट्रेनिंग ली है। इस बारे में चर्चा चलने पर सनी ने कहा, दर्शक मुझे जल्द ही फिल्म कोका कोला में एक नए अवतार में देखेंगे तो इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। भोजपुरी की तो मैंने खास तौर से ट्रेनिंग भी ली है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।